उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में सपा भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। इसमें लखनऊ का सियासी तापमान भी गर्म है। रोज एक के बाद एक पोस्टर जारी हो रहे हैं। इसी बीच भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा के नए नारों और होर्डिंग्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा रोज नए नारे और नए होर्डिंग के साथ सामने आ रही है। कुछ का साथ और अपनों का विकास वाले MY और PDA के नारे वाले समीकरण फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इन नारे होर्डिंग्स से सपा का उपचुनाव में नैया पार नहीं हो सकती है। सपा उपचुनाव में सभी सीटों पर बुरी तरह पराजित होगी। समाजवादी पार्टी रोज नए नारे, नए होर्डिंग, नए बैनर के साथ मैदान में सामने आ रही है। कंफ्यूज हो गई है, तय नहीं कर पा रही है कि नारा क्या रखे। समाजवादी पार्टी इतनी बौखला गई है कि कैसे जाति मजहब के समीकरणों को साधे, कैसे सबको साथ लेकर के चल सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, लेकिन ये कुछ का साथ और अपनों का विकास जो इनकी थ्योरी थी, ये अब तक MY का समीकरण गढ़ने वाले जो PDA का समीकरण गढ़ रहे थे, आज इनका PDA का नारा डिरेल हो गया है। और इसीलिए रोज नए नए नारे वो खोज रहे हैं, नए नए पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन नारों और पोस्टर से भी उनकी चुनावी नैया पार नहीं होने वाली। ये उपचुनाव सभी की सभी सीटों पर बुरी तरह से हारने वाले।